क्या होते हैं, साबुत तासीर क्या होते हैं, अब इनमें कौन लोग आते हैं वो हमको देखना है, और असाबुत तासीर में कौन लोग आते हैं वो देखना है। असाबुल फुरूज में कौन लोग आते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, इतना आप समझ लें कि इसमें अक्सर कमजोर लोग आते हैं, इसलिए सारी औरतें असाबुल फुरूज में। कभी कभी इसमें से, इस ग्रुप में से कोई इधर आ जाता है, यानी कुछ लोग हैं जो हमेशा इसी ग्रुप में रहते हैं हर हाल में, और कुछ हैं जो हमेशा इसी ग्रुप में रहते हैं हर हाल में, लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बेटी कभी कभी इस ग्रुप में आ जाती है। अगर बेटी अकेले रहेगी, बेटी के साथ बेटा नहीं है, तो बेटी इसी ग्रुप में रहेगी, बिल्कुल फुल सिक्योरिटी उसको। लेकिन अगर बेटी के साथ बेटा भी है, मरने वाले की बेटी है बेटा भी, बेटा इधर खड़ा है, तो बेटा अपने साथ इसको भी खींच के इधर खड़ा कर देगा कि आओ तुम भी हमारे साथ लाइन में लगो, लेकिन यहाँ आने के बाद भी बेटी को आगे रखा। इसलिए कुरान ने क्या कहा बेटी के बारे में, युसीकुम अल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिथ्लु हज़्ज़िल उन्थैयैन, कि औलाद में यानी बेटा बेटी में बेटे का हिस्सा कितना है जितना दो बेटी को मिला है। ये नहीं कहा कि बेटे को जितना मिलेगा उसका आधा बेटी को, ये नहीं कहा, क्या कहा, जितना दो बेटी को मिलेगा उतना एक। तो कुरान ने इशारा ये दिया कि बेटियों को मिल जाना चाहिए, फिर उस हिसाब से बेटे को भी मिल जाए, तो उनको हाईलाइट किया ना उनके हिस्से को, वहां भी आगे रखा। तो इस ग्रुप में कोई कमजोर आ भी जा रहा है तो उसे भी यहां भी उसको आगे रखा अल्लाह ताला। खुलासा ये कि असहाबुल फुरूज और असहाबुत तासीब ये दो ग्रुप अल्लाह ने रिश्तेदारों के बनाए हैं, और उसके पीछे जो हिकमत समझ में आती है वो ये कि कमजोर लोगों के साथ कोई जुल्म ना हो। अब हम देखते हैं कि असहाबुल फुरूज कौन से हैं और असहाबुत तासीब। असहाबुल फुरूज की लिस्ट अभी हम फिलहाल नहीं देखते, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। हालांकि आमतौर से जो पढ़ाने वाले होते हैं वो असहाबुल फुरूज को, इस लिस्ट को पहले पढ़ते हैं उसके बाद इस पर आते हैं, लेकिन हम इसके उल्टा पढ़ेंगे, हम इसको बाद में पढ़ेंगे असहाबुल फुरूज को, और असहाबुत तासीब को पहले पढ़ेंगे। असहाबुत तासीब इनको असबा भी कहते हैं, असबा, तो इनको हम पहले पढ़ेंगे, इसको अभी हम डिले कर देते हैं, मुअख्खर कर देते हैं असहाबुल फुरूज को, हम पढ़ेंगे असहाबुत तासीब। असहाबुत तासीब असबा, वारसीन के ग्रुप जो मैंने आपको बताया था याद है, वारसीन के ग्रुप कितने ग्रुप है, चार, तो उसी ग्रुप के एतबार से हम उनकी फहरिस्त लिखते हैं। पहला जो ग्रुप है वारसीन का, ज़ौजैन, वो असहाबुत तासीब में नहीं है, वो कहाँ है, वो असहाबुल फुरूज में, उसको काट दीजिए। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है फुरू, इब्न बेटा, इब्नुल इब्न, उसके बाद उसूल के अब, अबुल अब, फुरू हो गया, उसूल हो गया, और हवाशी, हवाशी में मैंने आपको बताया था कि हवाशी में भी दो ज़ैली ग्रुप हैं, एक उखुवा का एक उमुमा का। तो हवाशी में कौन है, उखुवा में अब शकीक, ये शीन लिखे ना तो समझो शकीक सगा। दूसरा उसके बाद अब, ले अब, तीसरा अकले में इसमें नहीं, अभी वो आपको मिसाल समझाया ना कि वो बेचारे लेके भागे हो रह गया अब शकीक देखते देखते, तो ये असहाबुत तासीब में नहीं है, अकले थोड़ा कमजोर पड़ता है उसको पहले ग्रुप में डाल दिया अल्लाह ताला, असहाबुल फुरूज में इसमें नहीं है अकले, तो अक शकीक है, अकले अब है, और इन दोनों के बेटे हैं फुरू हो गए, उसूल हो गए, हवाशी हो गए, और हवाशी में ये उखुआ हो गए, उखुआ का ग्रुप, आगे उमुमा का ग्रुप है उसमें अम, अल अम चकी, अल अम ले अब, दिख रहा आप लोगों को,
इन दोनों के बेटे भी ये असहाबुत तासीब की लिस्ट है मुजक्कर वारसीन, यानी इस ग्रुप में जो मुजक्कर हैं उन सब की ये लिस्ट है। इनको इसी तरतीब से आप याद कर लें, जो शुरू में हमने जो आपको याद कराई है तरतीब वारसीन की, उस हिसाब से पहले जोजैन थे, लेकिन जोजैन इसमें नहीं, उनको आप निकाल दो, उसके बाद फुरू, फिर उसूल, फिर ये हवाशी। एक तरतीब तो इसकी है ही, ग्रुप नाम फुरू, उसूल, हवाशी। इसके अलावा भी एक और नाम से आप ये सब याद कर सकते हैं, अल बुनुवा, अल उबुवा, अल उखुवा, अल उमुमा। ये असहाबु तासीब के मुजक्कर वारिसीन हैं और इन वारिसीन की भी ये ग्रुप हैं, असबा के ये चार ग्रुप हैं, पांचवा भी है लेकिन उसको हम छोड़ के चल रहे हैं, वला का, वो गुलाम वाला अगर रहेगा तो सबसे लास्ट में रहेगा, लेकिन बहरहाल उसको हम छोड़ते हैं, ये चार। तो ये असहाबु तासीब में मुजक्कर के ये चार ग्रुप जहन में रखें, चार ग्रुप, और उस जो शुरू में मैंने आपको बताई थी तरतीब उसी तरतीब से हैं। ये कौन है जो मैंने शुरू में आपको बताया था, फुरू, फुरू है ना ये, और ये उसूल है, और ये साफ मिलकर हवाशी है। शुरू में हमने आपको तरतीब याद कराई है, उसका फायदा यह है कि ये जो असबा की तरतीब है ना, ये भी आपको याद रहेगी, असबा की भी यही तरतीब है, इसमें ये अलग अलग ग्रुप बंदी की जाती है, इसको गुनवा कहते हैं और फिर इसको उगुआ कहते हैं, इस ग्रुप को, इस ग्रुप को उखुआ कहते हैं और इस ग्रुप को अमूमा कहते हैं। ये आप इनको इन ग्रुप से याद करें, और ये इसी तरतीब से, यानी असहाबुल फुरूज को देने के बाद जो माल बच गया उसको लेने के लिए कई ग्रुप के लोग पहुंच गए, तो अगर इस ग्रुप का कोई है, इस ग्रुप का, तो फिर नीचे के किसी भी ग्रुप के किसी फर्द को नहीं मिलेगा, सबको वापस कर देगा। इस ग्रुप का नहीं है, उबुआ के ग्रुप का कोई है, तो फिर नीचे वाले किसी भी ग्रुप को नहीं मिलेगा, या फिर उखुआ के ग्रुप का है तो अमूमा को नहीं मिलेगा। तो ऊपर के ग्रुप की मौजूदगी में नीचे के ग्रुप वाले ब्लॉक हो जाते हैं, महजूब हो जाते हैं, उनको नहीं मिलता है। और अगर एक ग्रुप में, एक ही ग्रुप में ऊपर का है तो नीचे वाले को नहीं मिलेगा, जैसे इब्न बेटा है तो पोता गया उसको नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखें बाप है तो इसको नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखें सगा भाई है तो इसको नहीं मिलेगा, ये सब नीचे सबको ब्लॉक कर देंगे, यहाँ पे चचा है नीचे सबको ब्लॉक कर देंगे। इसलिए ये आप इसी तरतीब से याद रखें, वो तरतीब जो शुरू में आपने याद की है वो याद है तो इसको भी याद करना आसान है। तो ये है असहाबु तासीब के मुजक्कर वारिसीन, मुजक्कर वारिसीन, ये रिमेनिंग शेर पाते हैं, ये मुजक्कर में से ये लोग हैं रिमेनिंग शेर पाते हैं। मैंने अभी बताया था कि कभी कभी जो असहाबुल फुरूज में कोई मुअन्नस है वो भी असहाबु तासीब में आ जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इब्न है तो बिन, और इब्न इब्न है तो बिनतुल इब्न, पोती। अगर वारसीन में इब्न के साथ बिनत भी है वारसीन में, तो ये बिन इसके साथ शामिल हो जाएगी, अगर पोता है और पोती भी है तो पोती उसके साथ शामिल हो जाएगी। और इसी तरह से इसमें नहीं, इसकी कोई मुअन्नस नहीं, अख शकीक है तो अख शकीक, अखले अब है तो ये मुजक्कर है और ये मुअन्नस चार है, ये भी तरतीब वही है, यानी उसी ग्रुप ही में, ये बुनवा में है और ये उखुआ में, ये चार औरतें। आप गौर करेंगे तो ये चारों आमतौर से अपने जोड़े की बहन बनती हैं, बिंद है और ये इब्न है, तो मरने वाले का बेटा है, मरने वाले की बेटी है, तो ये इसकी बहन होगी ना, ऐसे इब्नुल इब्न है, पोती है, पोता है और ये पोती है तो उसकी बहन होगी, या तो सगी बहन होगी, चचेजात बहन भी हो सकती है। अब ये सगा भाई है, सगी बहन उसकी बहन है ना, अब ये बाप शरीक भाई है, ये बाप शरीक बहन, ये अगर चार औरतें रहेंगी तो ये चारों औरतें इनके साथ मिल जाएंगी, इसलिए इसको, इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं, असबा बिन नफ्स कहते हैं, और इस लाइन को असबा बिल गैर कहते हैं। इसमें ये जो लोग है ना, ये बजाते खुद बाकी माल के हकदार होते हैं, इनको किसी के साथ की जरूरत नहीं,
ये जो पहली लाइन है मुजक्किर की, ये अगर रहेंगे तो अपने आप खुद ब खुद वो हकदार हो जाएंगे उसी तरतीब से, और अगर ये लोग रहेंगी तो ये इनके साथ में ही ये असबा बन सकती है, अकेले असबा नहीं बन सकती। ये जो औरतें हैं ना, ये अगर तन्हा होंगी यानी अपने भाई के अपने जोड़े के साथ नहीं होंगी तो फिर ये बाकी माल रिमेनिंग शेयर नहीं पा सकती हैं, ये असाबुल फुरूज में होंगी, इनको तयशुदा हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या है, इनके साथ कोई भी ना रहे, ये अकेले भी रहें तो बाकी के हकदार बन जाएंगे, और ये अगर अकेली पड़ी तो बाकी नहीं मिलेगा इनको, इनका फिक्स शेयर मिलेगा। ये इसलिए इनको क्या कहते हैं, असबा बिन नफ्स, माने खुद बजाते खुद, तो असबा बिन नफ्स यानी ये खुद अपने आप असबा बनते हैं, बजाते खुद असबा बनते हैं। और इनको कहते हैं असबा बिल गैर, यानी कोई दूसरा इनको असबा बनाता है, तो ये बेटी है इसको बेटा असबा बनाता है, और ये पोती है पोता असबा बनाता है, ये सगी बहन है सगा भाई असबा बनाता है, और ये बाप शरीक बहन है बाप शरीक भाई इसको असबा बनाता है। ये जो चार औरतें हैं ये खुद से असबा नहीं बनती हैं, बल्कि इनको कोई असबा बनाता है, इसलिए इनको असबा बिल गैर कहते हैं। ये इनके साथ वो लोग तो खुद ब खुद जो है असबा बनेंगे, लेकिन ये औरतें खुद असबा नहीं बन सकती, ये मोहताज हैं उनके, वो लोग इनको असबा बनाएंगे, इसलिए इनको असबा बिल गैर कहते हैं। दो औरतें और हैं, ये यही दोनों, इन दोनों के असबा बनने की एक शक्ल और है। यहाँ पे देखिए असबा बिल गैर भाइयों ने इनको असबा बना दिया, इन दोनों के असबा बनने की एक शक्ल और भी है, वो क्या, फरए मुअन्नस। अगर ये दोनों साथ में हो गए, सगा भाई और सगी बहन ये दोनों साथ में हो गए तो ये दोनों क्या है, असबा बन जाएंगे एक साथ, और फिर वो कैसे दोनों में बांटेंगे आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ में यानी बाकी जो माल बचा है इन दोनों को दे दिया जाएगा। तो ये बहन के असबा बनने की एक शक्ल ये कि ये भाई के साथ असबा बनती है, लेकिन इस बहन के असबा यानी बाकी पाने की एक और शक्ल है, वो क्या है, वो ये कि ये अगर फरए मुअन्नस के साथ, मुअन्नस फरा के साथ, यानी अगर एक आदमी मर गया, मरने वाले की बहन है, और फरए मुअन्नस क्या होगी, मरने वाले की बेटी, तो अगर मरने वाले की बहन है और मरने वाले की बेटी है तो बेटी की वजह से ये असबा बन जाएगी, यानी बाकी हिस्सा इसको मिलेगी। तो इसकी एक शक्ल और बनती है असबा बनने की, एक तो अगर भाई के साथ होगी तो उसके साथ शेयर हो जाएगी, और अगर मुअन्नस के साथ होगी तो भी इसको बाकी मिलेगा, लेकिन इसको अलग, इसमें शेयर नहीं होगी, इसकी इसके हिस्से में शेयर नहीं होगा इसका, इसको अलग से जो बचा उसको मिलेगा, इसका हिस्सा अलग से मिलेगा, ऐसे ये भी है। और इनको क्या कहते हैं, ये जब जो है ये बहन जो है इस हालत में जब असबा बनती है तो असबा माल गैर कहते हैं, माल गैर ये कहते हैं असबा बिन नफ्स, यानी जो खुद ब खुद असबा बनते हैं, इनको कोई असबा बना नहीं दिया, और ये बेटियां ये बहनें इनको असबा कोई बना रहा है, इसलिए असबा बिल गैर। और ये यानी बहन की ये शक्ल, ये असबा तो बन रही है लेकिन इनके साथ में होने की वजह से, मामाने होता साथ भाईयत, मामाने साथ, तो इनके साथ में होने की वजह से असबा, महज इनके साथ में होने की वजह से ये असबा बन जाती, लेकिन इन लोगों का हिस्सा अलग होता है, ये इनके हिस्से में शेयर इनका नहीं होता, जबकि यहाँ पे क्या होता है, असबा बिल गैर, असबा बिल गैर में ये अपने जोड़े के हिस्से में इनका शेयर होता है, क्या होता है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन इतना ज़हन में रखें कि इस ग्रुप की जो असबा बिल गैर की जो ख़वातीन हैं इनका हिस्सा शेयर होता है, इनका शेयर होता है अपने जोड़े के हिस्से में, लेकिन यहाँ पे जो असबा माल गैर हैं
ये इनके हिस्सों में इनका शेयर नहीं होता, बाकी मिलेगा लेकिन इनको अलग से मिलेगा। तो ये पूरी मुकम्मल तफसील है, असबा की फहरिस्त है ये पूरी, अब इसमें कोई बचा नहीं। ये असहाबु तासीब की पूरी लिस्ट आपके सामने है, और ये जो हमने अलग अलग ये दोनों किस्में बताई, असबा बिन नफ्स, असबा बिल गैर, असबा माल गैर, ये जो हमने तीन किस्में बताई, इन तीन किस्में होने के बावजूद भी ये जो ग्रुप है वो अपनी जगह पे बरकरार है, क्योंकि ये असबा बिल गैर हो, ये असबा बिन नफ्स, ये सब अलबुनू इसी ग्रुप में आते हैं, और असबा बिल गैर अगर ये औरतें बनती हैं तो भी इसी ग्रुप में है, ये औरतें अगर असबा माल गैर बनती है तो भी हैं इसी ग्रुप में। तो ये असबा की पूरी डिटेल है, असबा वारिसिन जो बैलेंस शेयर पाते हैं, रिमेनिंग शेयर पाते हैं, उनकी पूरी तफसील है, और इनको हिस्सा कैसे मिलेगा इस पूरी फहरिस्त में अगर कई लोग एक साथ जमा हो जाएं तो किसको, हाँ किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, उस बारे में बुनियादी उसूल क्या है कि करीबी को मिलेगा दूर को नहीं मिलेगा, करीबी आसिब को मिलेगा दूर के आसिब को नहीं मिलेगा। अब करीबी आसिब कौन है, दूर का आसिब कौन है, तो ये पता करने का दो तरीका है। एक तरीका ये फहरिस्त है जो मैंने आपके सामने लिखी है कि जो सबसे पहले है वो सबसे करीब है और जो बात का है वो दूर है, लेकिन ये फहरिस्त हर जगह काम नहीं देती, कभी कभी ऐसा भी आएगा कि वो इससे हटकर हमको सोचना होगा, उसके लिए एक दूसरा जाब्ता है असबा की कुर्बत नापने का या कुर्बत जानने का एक दूसरा जाब्ता है, उसको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे।